हेलो एवरीवन, तो चलिए बहुत ही हेल्दी नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे सब्जी खाना पसंद नहीं करते तो आप इस तरीके से उन्हें हर सब्जी खिला सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इस नाश्ते को बनाने के लिए 1 कप सूजी, 1 कप दही और 1 कप पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लिया है इस तरह से। अब हम इसे ढक देंगे और करीब 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 से 7 मिनट के बाद अब हम इसमें सारी सब्जियां डाल देंगे। 1 चॉप किया हुआ प्याज, 1 चॉप किया हुआ गाजर डालेंगे, 1/2 कप के करीब मटर डाला है, 1/2 कप कटा हुआ बीन्स डालेंगे और 1/2 कप मैंने कटा हुआ पालक डाला है। इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे धनिया की पत्ती, स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। इसके बाद मैंने इसमें डाला है 1/2 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सफ़ेद तिल। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद इसमें 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा डाल दिया है। अब हम इसे मिला लेंगे। इसके बाद मैंने पैन गर्म होने के लिए रख दिया था, तो पैन में थोड़ा थोड़ा इस तरह से तेल लगा लेना है। इसके बाद हम इस मिश्रण को पैन में 1/1 चम्मच डालेंगे और इस तरह से फैलाते जाएंगे। दोस्तों, ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है। आप इस नाश्ते को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से तेल डाल दिया है ताकि ये अच्छे से पक जाए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को 1 लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो अब हम बारी बारी से सारे नाश्ते को इस तरह से पलटते जाएंगे। दोनों तरफ से हमें इसे सुनहरा होने तक पका लेना है। ये नाश्ता काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें कम तेल बहुत कम है, ढेर सारी सब्ज़ियाँ हैं, तो बच्चे इसे खाना बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बहुत पसंद आता है। मेरे घर में सारे बच्चे को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो आप उन्हें सुबह सुबह लंच बॉक्स में ये दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर करिएगा। हम अपने चैनल पर इसी तरह की आसान आसान सी रेसिपी लेकर आते रहते हैं। तो अब हम सारे नाश्ते को निकाल लेंगे। आप इस नाश्ते को हरी चटनी के साथ या केचप के साथ खा सकते हैं, शाम के चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। हल्का फुल्का बहुत ही टेस्टी नाश्ता है। तो इस तरह से मैंने सारे नाश्ते बना लिए हैं। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।